नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ओपन ओशन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे मानवीय मूल्य, हमारा प्रभाव। कहते हैं भाव से स्वभाव बनता है और स्वभाव से प्रभाव। अभी प्रभाव किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आज हम बात इस पर करेंगे। और वो कौन कौन से कारण हैं जो प्रभाव पे इम्पोर्टेंस रखते हैं या प्रभाव जिनकी वजह से बढ़ता है घटता है, हम उन पर बात करेंगे। प्रभाव कई प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक या प्रभावहीन व्यक्ति। अगर हम देखें तो हमारे चारों ओर ऐसे भी लोग हैं जो बड़े प्रभावहीन होते हैं, किंतु प्रभाव का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास के लोग। हम बहुत जल्दी उन चीज़ों से प्रभावित होते हैं जो हमारे लिए हमारे अंदर खुशी देती हैं, हमें अच्छा महसूस कराती हैं, हमें सकारात्मक महसूस कराती हैं, किंतु कभी क्या हमने ध्यान दिया वो कितने दिन, कितने समय, कितने देर तक हमारे पास रहती हैं, उनका प्रभाव कितने समय तक हमारे पास रहता है। एक शोध बताती है कि प्रभाव असल में हमारे अपने अंदर की भावनाएं और हमारे मानवीय मूल्यों से जुड़ा होता है। जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, उसी प्रकार हम अपने प्रभाव को प्रबल करते हैं या सबल करते हैं। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति जिसका मानवीय गुण या जिसका नैसर्गिक मूल्य प्रेम है, वो उन लोगों से प्रभावित होता है जिसके आसपास दया, करुणा, प्रेम, सद्भाव, सम्मान, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं या ऐसे लोग, ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें उसको आकर्षित करती हैं। वहीं एक अनुशासित व्यक्ति, एक आर्मी वाले को, एक पुलिस वाले को, एक अनुशासित व्यक्ति को देख के बड़ा खुश और बड़ा प्रोत्साहित होता है और उसका प्रभाव पड़ता है। समस्या आती है कि हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर कौन सा मानवीय मूल्य, कौन सा वो नैसर्गिक गुण है जो प्रभु ने हमें दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, जो जन्मजात हमारे अंदर मौजूद है, किंतु हम उसको पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखिए, उन घटनाओं को देखिए और उन घटनाओं से सीखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें, जो कौन सा ऐसा वस्तु, व्यक्ति या वजह है जो आपको प्रभावित करती है, खुश करती है। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो आप ललायित हो जाते हैं, उसको गोद में लेते हैं, उसको खिलाते हैं, तो आपका जो गुण है वो प्रेम, स्नेह है। आप जब किसी अनुशासित व्यक्ति को देखते हैं तो आपके अंदर भी भाव आता है कि मुझे भी इसकी तरह अनुशासित होना चाहिए, तो वो अनुशासन का भाव है, अनुशासन का मूल्य है। आप किसी को देखते हैं, कोई रुदन कर रहा है, किसको समस्या है, आप चले जाते हैं उसकी सहायता करने, किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है, तो आपके अंदर करुणा का भाव है। इसी प्रकार आप अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं और उनके प्रति आपका जो रवैया, आपका जो रुझान होता है, आपका जो प्रभाव उन पे आपका पड़ता है या आपके प्रभाव उन पे जो पड़ता है, दोनों बातें हैं, वो आपका मानवीय मूल्य है, वो आपका गुण है। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के मानवीय मूल्य क्या होते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, कैसे हम उनके अंदर, अपने अंदर उनको जागृत कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, भाव से स्वभाव बनता है और स्वभाव से ही प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें।